और चलिए अब आपको बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। आज पूरे घटनाक्रम के बाद दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी सूर्या, सुनते हैं। काम कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पानी का बोचार आप सामना कर रहे हैं। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, हिमांशु जी एंड टीम, फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू फॉलो। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द एंटायर बीजेवाईएम टीम ऑफ राजस्थान। इसी संदर्भ में मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें पुनिया जी जैसे वरिष्ठ नेता वो पीछे खड़े होके युवा नेताओं को आगे छोड़ के नेतृत्व करने के लिए मौका देते हैं, मेंटर करते हैं, हम सब लोगों को एनकरेजमेंट देते हैं। पुनिया जी, युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता की ओर से मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका इस नेतृत्व में युवा मोर्चा पूर्ण ताकत के साथ राजस्थान में काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर कंटिन्यूअस एफर्ट। आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं हमारे पार्टी के तेजस्वी सूर्या को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज जो है राजस्थान युवा मोर्चा खड़ा रहा, जिस तरह से कार्यकर्ता आज खड़े रहे, जिस तरह से उन्होंने दम दिखाया, सच्चाई के लिए खड़े हुए, उसके लिए राजस्थान की युवा मोर्चा की टीम को वो बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत प्राउड गर्व फील करते हैं। और साथ ही साथ कि आप लोगों ने आज एक नेक और सच्ची आवाज को राजस्थान के जन जन तक पहुँचाया है। कांग्रेस पार्टी का, अशोक गहलोत का, तुष्टीकरण का विद्रूप चेहरा राजस्थान की जनता को और देश की जनता को दिखाया है। मैं तेजस्वी जी का अभिनंदन करता हूं, भाई हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के बहुसंख्यक लोगों की और करौली के उन पीड़ितों की आवाज बनकर इस आंदोलन की अगुवाई करी। इससे पहले भी युवा मोर्चे ने राजस्थान के बेरोजगारों के लिए 10 अक्टूबर को, 10 फरवरी को रीट और बेरोजगारी को लेकर एक प्रभावी आंदोलन किया और उस आंदोलन से सरकार डरी और घबराई और उनके पाए हिले। अब ये सब उजागर हो गया कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के ग्रह तो सतीश पुनिया भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और वो भी बोल रहे हैं कि इससे पहले भी हमने जिस तरह आंदोलन के मुख्यमंत्री होने के नाते गृह मंत्री भी हैं और कानून व्यवस्था की वानगी है कि राजस्थान के इतिहास में 3 वर्षों में 7 लाख FIR पहली बार दर्ज हुई है। इन्हीं FIR में 1 साल की महिलाओं के प्रति अपराध का आंकड़ा 6,337 है। गैंगरेप की घटनाओं का एक औसत 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं अशोक गहलोत के राज में। केवल यही नहीं, दलितों के प्रति 40% उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है इनके राज में आने के बाद में। महिलाओं पर उत्पीड़न और दलितों पर हमले ये आम बात है इनके राज में। लोग कैसे भूलेंगे कोरोना के उस कालखंड में जब रेवंत सिंह पर इसी तरीके से वहां के मुस्लिम लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। इसी तरीके से हरीश जाटव की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि की इसी तरीके से मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। न प्रियंका गांधी आई, न राहुल गांधी आए, न अशोक गहलोत बोले और गृह मंत्री बनने का राज अब खुला कि गृह मंत्री के नाते अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना और केवल अपने नहीं, जो इस रामनवमी के और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की हजारों की तादाद में। अकेले हिंडौन में 1400 लोगों को नोटिस दिए हैं। ऐसे अनेकों जगह इस अपीजमेंट के कारण गृह मंत्री इसलिए बने कि वोट बैंक के कारण वो तुष्टीकरण करें,
और उस तुष्टिकरण के कारण अपना वोट बैंक पुख्ता करें। राजस्थान में इससे पहले मालपुरा में बहुसंख्यक हिंदुओं ने इसी तरीके के मोहल्लों से पलायन की शुरुआत करी। करौली में भी 7 परिवार जगह छोड़कर जा चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्वक तरीके से करौली जाना चाहता था, हालात का जायजा लेना चाहता था, उन पीड़ितों के आंसू पहुंचना चाहता था। हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग उन दोषियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, हम उन निर्दोषों को प्रताड़ित होने से बचाने की मांग कर रहे हैं, हम उस संपत्ति के माल के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, एक बार नहीं, ये पहला अवसर नहीं है, हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पूरे 2 दिन तक हमारे सांसद विधायक और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने राजेंद्र राठौड़ जी की अगुवाई में एक एक व्यक्ति से बात करी। और उसके बाद परसों ही हमारे डेलीगेशन ने राज्यपाल महोदय से ये उम्मीद करी है, गुहार लगाई, ये निवेदन किया कि आप राजस्थान के इन जलते हुए हालातों को देखकर इंटरवीन करें, आप डीजी को तलब करें, आप मुख्यमंत्री को लिखें, उनको तलब करें कि आखिर कब तक राजस्थान जलता रहेगा, कब तक बहुसंख्यक लोग इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित होते रहेंगे। यदि अशोक गहलोत का यही लोकतंत्र है, यही धर्मनिरपेक्षता है, तो लानत है ऐसी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पे जिसने पूरे राजस्थान की शांति को ग्रहण लगा दिया। और आज जो बानगी दिखी कि दिल्ली से एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता आते हैं, जो सांसद भी हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो पूरे दुनिया ने देखा है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक कहा तेजस्वी जी ने कि औरंगजेब के हमलों ने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर इतिहास में कि किस तरीके का दमन चक्र चला था मुगलों के समय, किस तरीके से नादरशाही चली थी और इसी देश में किस तरीके से आपातकाल के जरिए तानाशाही थी, उस तानाशाही की याद दिलाई। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और ये मुझे लगता है कि ये आगाज है और अंजाम होगा वो राजस्थान से कांग्रेस के मुक्त होने का होगा। 2023 में तो राजस्थान की जनता बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से नौजवानों ने ऊर्जा के, तो युवा मोर्चा जिस तरह से आज खड़ा रहा, जिस तरह से आज भाई हिमांशु जी के नेतृत्व में हमारे तमाम जो नेतागण थे, दोनों हमारे सांसद रंजीता जी और मनोज जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई, हमारे मुकेश जी, हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष दौसा और करौली के, और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ, भाई जितेंद्र मीणा जी जो हमारे अस्थि मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नेहा जोशी जी जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी देहरादून उत्तराखंड से आकर राजस्थान के नौजवानों की वो उनको संबल देने के लिए आई। तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चे के इस विराट प्रदर्शन से, इस आक्रामक प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी को ये एहसास तो हो गया होगा कि जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। धन्यवाद। पुनिया जी, पलायन करने वाले लोगों की लिस्ट करौली नाथ मीणा ने प्रशासन को सौंपी, 195 लोगों की, क्या करौली भी राजस्थान का कहराना बनता दिख रहा? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं और जो सबने उस जलती हुई करौली को देखा है, वो इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि सरकार तो इस तरीके के काम करने वालों को संरक्षण देती है। इसलिए हमारी चिंता थी, इसलिए हमारे सांसद ने वो सूची भी दी, 7 लोग आइडेंटिफाई भी हुए और हमने पब्लिक सतीश पूनिया जो लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने औरंगजेब का इतिहास याद किया, तो नादरशाही उन्होंने बताई, और साथ ही साथ जिस तरह से इमरजेंसी लगी थी उसको भी याद करते हुए सतीश पूनिया नजर आए। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता युवा मोर्चा के लगातार आज डटे रहे, जिस तरह की ऊर्जा उन्होंने दिखाई उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की, साथ ही कहा कि कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं और जो युवा मोर्चा जिस तरह से कार्य कर रहा है वो वाकई में प्रशंसनीय है। तो करौली मामले को लेकर आज ये पूरा घटनाक्रम रहा, जिसके बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सतीश पूनिया बोलते नजर आए।